एक डेटा स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया लिंक्ड लिस्ट, नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर है हमारा स्टैक। तो स्टैक कैसा होता है? स्टैक एक बंडल जिसे हम गड्डी बोलते हैं, ठीक है। जैसे बुक्स का बंडल होता है, एक बुक के ऊपर एक और बुक रखी है, एक और बुक रखी है, तो एक स्टैक हो जाता है। तो जैसे आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हो, आपका एक स्टैक है, एक के ऊपर एक, ये हमारा स्टैक होता है। इट्स लाइक अ बंडल ऑफ बुक वन अनदर। स्टैक इज अ लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर। ये लाइन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, लीफो डेटा स्ट्रक्चर। वहीं हम आपसे पूछेंगे, बस आपको ये बताना होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। बुक का एग्जांपल दे दो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या है। मान लेते हैं हमारी एक टेबल है, टेबल के ऊपर हमने, जैसे हमारे टीचर हमसे क्लास में कॉपीज मांगते हैं, रजिस्टर मांगते हैं, तो बच्चे आके रखते हैं बुक्स, ठीक है। तो हम क्या कोशिश करते हैं कि हमारी कॉपी सबसे नीचे रहे, हम ऊपर नहीं रखते। तो इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि जो सबसे पहले कॉपी रखता है उसी कॉपी लास्ट में चेक होती है। क्यों? पहले रखी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, मान लो 10 स्टूडेंट ने रखी, तो ऐसे करके 10 स्टूडेंट ने रख दी, जिसने पहले रखी थी उसकी तो सबसे नीचे है, लेकिन जिसने लास्ट में रखी है उसके सबसे ऊपर है। तो जिसकी लास्ट में इन आई बुक, उसकी, जिसका रजिस्टर लास्ट में इन आया, उसका सबसे पहले आउट जाता है, टीचर सबसे पहले ऊपर का उठाता है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये हमारा स्टैक होता है। इसका और एग्जांपल क्या ले सकते हैं, मान लेते हैं हम कार्ड्स रखते गए एक के ऊपर एक, जो हमने लास्ट कार्ड रखा है, जब हम उठाने की बारी होगी तो लास्ट इन वाला फर्स्ट आउट होगा, ठीक है। तो ये लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में जाता है वो फर्स्ट आउट आता है। और फर्स्ट इन लास्ट आउट भी बोल सकते हो, जो सबसे पहले जाता है वो सब निकलने के बाद लास्ट में बाहर आता है। तो फर्स्ट इन लास्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट, आप लास्ट इन फर्स्ट आउट यूज़ करो, क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ होता है। तो आपका स्टैक होता है, स्टैक हमने देख लिया कैसा होता है। तो स्टैक को हम अपने प्रोग्राम के अंदर बनाएंगे, ठीक है। स्टैक इतना टफ नहीं है, स्टैक तो बल्कि स्टैक और क्यू बहुत ज़्यादा ईजी है इंग्लिश के मुकाबले। स्टैक क्या होता है, वही आपका एक के ऊपर एक रखे हैं। तो हम इसको बनाएंगे कैसे, हमें एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर बनाना है जिसके अंदर एक के ऊपर एक रखा हो डेटा। तो ऐसे करके रखा हो डेटा, तो ऐसे करके तुम्हारा डेटा एरे के अंदर ही रखा होता है, एरे के अंदर ही रखा होता है, 0, 1, 2, 3, 4। तो हम एरे से एक स्टैक बना सकते हैं, क्योंकि एरे और स्टैक में डिफरेंस क्या है, स्टैक के अंदर लास्ट इन फर्स्ट आउट ही यूज करना है, एरे के अंदर खुली छूट होती है, 0, 1, 2 किसी को भी छेड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। स्टैक को हमें बस एरे को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट कर देंगे तो हमारी स्टैक बन जाएगी। एरे को रेस्ट्रिक्ट कैसे करेंगे, कि हम पूरा एक फंक्शन बना लेंगे, क्लासेस बना लेंगे। क्लासेस तो अभी आपको नहीं बनानी, आगे बनानी है, लेकिन हम सिर्फ फंक्शंस के थ्रू एक स्टैक का फंक्शन बनाएंगे जो वर्क एरे पर ही कर रहा होगा, लेकिन एरे वाले काम नहीं कर पाएगा। जैसे हम सिर्फ एक बनाएंगे इंसर्ट बनाएंगे सिर्फ स्टैक के लिए। अब स्टैक के अंदर इंसर्ट कैसे, सिर्फ ऊपर से हो सकता है ना, गड्डी है ये हमारा स्टैक है, इसके अंदर सिर्फ ऊपर से इंसर्ट हो सकता है। अब एरे में तो हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी की भी वैल्यू छेड़ सकते हैं, लेकिन स्टैक के अंदर सिर्फ ऊपर से इंसर्ट कर सकते हैं और ऊपर से ही निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ही डाल सकते हैं और यहीं से निकाल सकते हैं। तो एक फंक्शन बना देंगे इंसर्ट नाम का, जिसका काम सिर्फ एरे के अंदर वैल्यू ऐड करना होगा। स्टैक असलियत में एक एरे ही होगी जब हम बनाएंगे, लेकिन फंक्शंस के थ्रू वर्क कर रही होगी, ताकि उसमें कोई छेड़खानी ना कर पाए। जैसे अगर किसी नॉर्मल एरे होगी तो वो किसी भी एलिमेंट को चेंज कर सकता है, किसी भी वैल्यू बढ़ा सकता है, घटा सकता है। स्टैक के अंदर सिर्फ टॉप पे जाना, टॉप में डाल सकते हैं, टॉप से ही निकाल सकते हैं। एक इंसर्ट का हो गया, एक निकालने के लिए पूरा आउट का हो गया, ठीक है। तो इंसर्ट को हम बोलते हैं पुश करना, स्टैक के अंदर पुश कर दिया उसको, एलिमेंट लेके स्टैक के अंदर पुश कर दिया। और हमें बाहर निकालना होता है, हम बोलते हैं स्टैक के अंदर से पॉप आउट निकाल लिया, पॉप कर लिया, बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो पुश, एलिमेंट पुश करना, एलिमेंट पॉप करना। तो एलिमेंट पुश भी ऊपर से होगा, एलिमेंट पॉप भी ऊपर से होगा। तो पुश और पॉप के हमारे दो फंक्शंस बनेंगे, ठीक है। पुश फंक्शन क्या करेगा, जो एरे है, मान लो अभी ये हमारी एरे है एक्चुअली में, तो मैंने एक एरे बनाई स्टैक नाम की, तो मैंने लिखा इंट स्टैक, इसका कुछ साइज होगा। अब मान लो स्टैक के अंदर हमारे एलिमेंट्स हैं कुछ, कितने एलिमेंट्स हैं। तो जो मेरा पुश फंक्शन होगा उसका काम क्या होगा, कि बस लास्ट में जाके जो भी एलिमेंट मैं उसको दूँ वो उसको इंसर्ट करा दे। पॉप का क्या काम होगा, जो भी लास्ट में एलिमेंट है उसको वहाँ से हटा दे। तो ये हमारा पुश और पॉप के काम हो गए, ठीक है। तो बस ये पुश और पॉप हमें करने हैं एरे के अंदर फंक्शंस के थ्रू, वो हमारा स्टैक बन जाएगा। सिमिलरली हम क्यू बना देंगे, ठीक है। लेकिन दिक्कत कब आएगी, दिक्कत आएगी जब हमें इस स्टैक को एरे की वजह लिंक्ड लिस्ट से बनाना पड़ेगा, तो हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम स्टैक के कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो आना ही आना है, ठीक है। जरूर आएगा क्वेश्चन, वो मैं भी करा दूंगा आपको। सो स्टैक में से जो क्वेश्चन आना ही आना है वो है आपका एक्सप्रेशन के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन के भी कुछ टाइप होते हैं, तीन टाइप के पढ़ने हैं हमें, इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। आपका जो सिलेबस में खाली पोस्टफिक्स वाला है, इनफिक्स आपको आता ही है, प्रीफिक्स अभी आपका सिलेबस में नहीं है लेकिन ईजी है। तो इनफिक्स क्या होते हैं, हमारे नॉर्मल एक्सप्रेशन जो हम आज तक पढ़ते आए हैं बॉडमास वाले। अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ x plus y minus z,
तो ये आपका एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो इसका अगर मैं इतना भी लिख दूँ, ये भी आपका एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है जिसके अंदर हम नॉर्मली हमारा बॉड मास लगाते हुए आए हैं हमेशा से, ठीक है, हमेशा से इसमें बॉड मास लगाते हुए आए हैं। ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन क्या होता है? पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो ऑपरेंड्स होते हैं वो, ऑपरेंड मतलब जो ये हैं, ये ऑपरेटर से पहले आते हैं, तो पोस्ट फिक्स में जो ऑपरेटर है वो बाद में आएगा। तो ये हो गया हमारा पोस्ट फिक्स, ये है हमारा इनफिक्स, और कुछ ऐसा होगा जिसके अंदर ऑपरेटर पहले आएगा, ये हो गया हमारा प्रीफिक्स, ठीक है। लेकिन जब बड़ी स्टेटमेंट होंगी तो ये ऑपरेटर ऐसा नहीं होगा कि, जैसे अगर ये वाला था तो इसके अंदर क्या बनेगा, क्या ये ऐसा बनेगा, क्या ये ऐसा बनेगा, पोस्ट फिक्स में करेंगे तो बड़ी स्टेटमेंट में हमें देखना पड़ेगा, छोटी में मैंने एग्जांपल दिया, तो क्या देखना पड़ेगा, कैसे इन्हें कन्वर्ट करना है। तो प्रीफिक्स आपका है नहीं सिलेबस में अभी, ठीक है, पोस्ट फिक्स और इनफिक्स का ही आपका। इनफिक्स पता ही है क्या है, जो नॉर्मल आज तक करते हैं वो सारे इनफिक्स होते हैं, बस पोस्ट फिक्स देखना है फिर, ठीक है। तो मैं प्रीफिक्स हटा देता हूँ यहाँ से। इनफिक्स में हम हमेशा आज तक बॉड मास लगाते हुए हैं, यहाँ पर आपको एग्जांपल दे रखा है, तो यहाँ पर अब क्वेश्चन है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के, मैं डायरेक्ट बताता हूँ पोस्ट फिक्स कैसे करना है। तो इनफिक्स में आज तक हम बॉड मास लगाते हुए हैं, पोस्ट फिक्स में हम बॉड मास नहीं लगाएंगे, हम इसमें कुछ नया लगाएंगे जिसका नाम है बेड मास। तो भैया बेड मास क्या है? सेम है, ब्रैकेट इसमें ऑफ होता था, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एड एंड सबट्रैक्ट, ये सारे तो सेम ही है। यहाँ पे आपका ऑफ होता था, इसके अंदर ही आपका एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, पावर वाला आपका एक्सपोनेंशियल, बस आपका ये डिफरेंस है। इसका सिंबल क्या होता है कंप्यूटर्स में, आपका ये सिंबल होगा इसका ऊपर एरो, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्या है, ए प्लस बी डिवाइड सी माइनस डी। तो जब हम किसी भी एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसके अंदर जो ऑपरेटर होता है वो बाद में आ जाता है ऑपरेंड के। तो अगर कोई बड़ा एक्सप्रेशन है, जैसे कि एक्सप्रेशन दे रखा है ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी माइनस डी, सी डिवाइड डी, जब ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए तो इसको कैसे कन्वर्ट करना है पोस्ट फिक्स के अंदर, वो हमें देखना पड़ेगा। उसका एक मेथड आता है जिसके अंदर हम स्टैक को यूज़ करेंगे, ताकि आप उसको कभी अगर प्रोग्राम करना पड़े, ट्वेल्थ में तो करना नहीं है, कभी अगर प्रोग्राम करना पड़े तो आप उसको प्रोग्राम के थ्रू भी कर पाओ। तो मैं इसका एक सिंपल सा मेथड बताऊँगा, इसी मेथड से आपको करके आना है, या नहीं आना है आपका दो नंबर का या तीन नंबर का भी आ सकता है बड़ा क्वेश्चन हुआ तो इसको ध्यान से समझना है आपको। तो कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें एक चाहिए एक एम्प्टी स्टैक, तो हमने एक एम्प्टी स्टैक बना ली, और हमें फिर एक टेबल बनानी है। तो यहाँ पहले आप एक एस नंबर दे सकते हो, अगला आप दे सकते हो इनपुट, यानी कि यहाँ से क्या आने वाला है, फिर स्टैक की स्टैक में भी क्या है, आपको प्रोग्राम में बनाओ ना बनाओ आपकी मर्ज़ी है, मैं तो कहूँगा कि ना ही बनाओ क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप यहाँ बना लो स्टैक की बस इन्फॉर्मेशन की, स्टैक के अंदर भी क्या क्या है, इनपुट स्टैक और फिर एक्सप्रेशन कि आपका एक्सप्रेशन क्या बनता जा रहा है, जो हमें बनाना है वो बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है। आप ऑपरेशन भी लिख सकते हो, ऑपरेशन मतलब कि हमने पुश करा कि पॉप करा, लेकिन वो तो नो नहीं होता है, तो आपकी मर्ज़ी है, लिखना है तो लिखो वरना ना लिखो तो भी चल जाएगा। सबसे पहले वन स्टेप नंबर वन क्या है, इसे स्टेप्स याद कर लेना, मैं बता रहा हूँ, लिखने नहीं है याद कर लो। स्टेप नंबर वन क्या है, ब्रैकेट्स लगाने हैं। तो बॉड मास आपको आता है, ये इनफिक्स है ना, ये इनफिक्स है तो बॉड मास आपको आता है ये वैसे भी, तो बॉड मास के हिसाब से इसमें ब्रैकेट्स लगाओ। सबसे पहले होता है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट लगा हुआ है, ऑफ आपका होता नहीं, डिवाइड से सीधा आते हैं, तो सबसे पहले डिवाइड होता है तो मैं ब्रैकेट लगाता हूँ इधर, डिवाइड के बाद होगा मल्टीप्लाई, आपको दिख रहा होगा कि ये और ये मल्टीप्लाई होने वाले, तो अगला ब्रैकेट आ जाएगा इधर। तो सबसे पहले आपको अपनी जो बॉड मास की बेसिक मैथ की नॉलेज है उससे आपको ब्रैकेट्स कंप्लीट करने हैं। एक बार जब ब्रैकेट कंप्लीट हो जाए उसके बाद क्या करना है, एस नंबर लिख लो, इनपुट सबसे पहले आएगा ब्रैकेट, अब इस एक्सप्रेशन को छेड़ना नहीं है, अब एक बार जब ब्रैकेट लगा दिए तो इसको छेड़ना नहीं है, सबसे पहले आया ब्रैकेट, ठीक है, जैसी ब्रैकेट आए उसको उठा के डाल दो स्टैक के अंदर, डाल दिया एक्सप्रेशन, अभी एक्सप्रेशन कुछ नहीं है। नेक्स्ट फिर एक और ब्रैकेट आया स्टैक के अंदर, दो ब्रैकेट आ गए, दोनों ब्रैकेट से बाद आपका आया ए, तो जैसे ही कोई आपका वेरिएबल आ जाए उसको आपको स्टैक में नहीं डालना, उसको आपको सीधे एक्सप्रेशन में डालना है, तो ये दोनों एज इट इज़ रहे, आपका ये एक्सप्रेशन के अंदर आ गया ए। फिर आया आपका एक ऑपरेटर, ऑपरेटर आपको इधर ही डालने सारे, इधर ए ही है, फिर आपका आया बी, बी आपको पता है कहाँ डालना है, स्टैक में नहीं डालना है एक्सप्रेशन में डालना है, इधर हो गया ए बी, फिर आपका आया क्लोज ब्रैकेट। अब क्लोज ब्रैकेट के दौरान क्या होगा, तो जैसे ही क्लोज ब्रैकेट आए तो आपको यहाँ से एक एक करके एलिमेंट इधर डालते जाने, कब तक, जब तक लेफ्ट एलिमेंट लेफ्ट ब्रैकेट ना आ जाए।
तो अभी जैसे ही अगर ये मान लो इधर आएगा, वैसे तो आएगा नहीं, मैं दिखाने के लिए इधर आ गया, तो हमें इससे अब लेफ्ट जाना है जब तक लेफ्ट ब्रैकेट ये वाला ओपन ब्रैकेट ना आ जाए। तो बीच में तो एक ही है, तो इसको हटाओ, तो एक एक करके इधर आएंगे, तो ये प्लस इधर आएगा, ठीक है। तो ये स्टैक अब अगला भी डाल लो, मल्टीप्लाई आएगा, या फिर आप इसको भी खाली छोड़ो, कैसे अलग से कर लो कि जैसे ही राइट ब्रैकेट आया तो सिर्फ ये बचा। क्यों? राइट ब्रैकेट आया तो राइट से लेकर पहले लेफ्ट ब्रैकेट तक, यानी इतना ये हट जाएगा, और बीच में जितने थे वो एक एक करके इधर आ जाएंगे। मान लो अगर इधर प्लस के साथ मल्टीप्लाई और एक माइनस भी होता और फिर आपका राइट ब्रैकेट आता, तो क्या होता? राइट ब्रैकेट से, राइट से लेकर लेफ्ट तक, जब तक पहला लेफ्ट ब्रैकेट ना आ जाए, तो हमें एक एक करके इधर से इधर, तो पहले माइनस आता, पहले माइनस डाल दिया, फिर मल्टीप्लाई डाल दिया, फिर प्लस डाल दिया, जैसे ही लेफ्ट ब्रैकेट आया फिर सारे हट जाते हैं, तो ये आपका इधर आया था। तो अभी जो था उसके हिसाब से चलते हैं, अभी हमारा यहाँ पर ये था, ठीक है, बी आ गया। अब राइट ब्रैकेट आया तो ये सिर्फ इतना बचा और प्लस आ गया इधर, प्लस आ गया इधर। राइट ब्रैकेट के बाद आया हमारा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इसमें ऐड हो जाएगा, ये एज इट इज रहा। मल्टीप्लाई के बाद आपका लेफ्ट ब्रैकेट, लेफ्ट ब्रैकेट एज इट इज, जितने ऑपरेटर आ रहे हैं वो आपके एज इट इज रहने वाले हैं। फिर आपका सी, अब सी और ब्रैकेट में थोड़ा सा आपको क्लियर रहना है। सी आपका सीधे एक्सप्रेशन में जाएगा, वेरिएबल आपके सीधे एक्सप्रेशन में जाते हैं। फिर आया आपका डिवाइड, डिवाइड आपका इधर, वो एज इट इज। फिर डी, डी आपका एक्सप्रेशन में जाने वाला है, बाकी मैं आगे लिख लेता हूँ। डी के बाद हमारा आएगा एक राइट ब्रैकेट, तो मैं डी वाली स्टेटमेंट भी वहीं लिख लेता हूँ, तो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब डी आया तो स्टैक बन गया वही जो था, और एक्सप्रेशन हो गया ए बी प्लस सी डी। डी के बाद आएगा राइट ब्रैकेट। अब राइट ब्रैकेट में मैंने बताया क्या करना है, जब तक पहले लेफ्ट ब्रैकेट ना आ जाए जब तक उधर डालो, तो ब्रैकेट नहीं जाते सिर्फ सिंबल जाता है, तो इतना बचेगा इधर और डिवाइड उधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका ए बी प्लस सी डी और एक डिवाइड आ जाएगा अभी। राइट ब्रैकेट के बाद एक और राइट ब्रैकेट, एक और राइट ब्रैकेट क्या करेगा, जब तक लेफ्ट ब्रैकेट ना आ जाए जब तक उसमें डालो, तो ये तो एम्प्टी हो गया अब, क्योंकि इधर मान लो जब राइट ब्रैकेट आएगा तो लेफ्ट चलेगा, मल्टीप्लाई उधर गया, लेफ्ट ब्रैकेट ख़त्म, तो ये एम्प्टी हो गया। और इधर क्या, ये डैश भी मतलब हो कि वो माइनस का समझ लेते, तो उसको खाली छोड़ दो। और इधर क्या बन गया, ए बी प्लस सी डी डिवाइड मल्टीप्लाई, तो ये आपका पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन बन गया। इन फिक्स एक्सप्रेशन से हमने पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर दिया, तो ये पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट होगा तो आ गया है, लेकिन अब इसकी इवैल्यूएशन कि अगर हमें ये दे रखा हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर मेरे को ए बी सी और डी की वैल्यू पता है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, वो इवैल्यूएशन हम अभी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन से देखेंगे कैसे करते हैं। तो एक और क्वेश्चन करते हैं थोड़ा बड़ा इसी टाइप का, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन का। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी टाइप का आने वाला है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है, ये छोटे नहीं आते, तो करते हैं इसको। पहला स्टेप आपको पता है क्या है, पहले स्टेप के अंदर हमें अपनी बॉन्ड मास की नॉलेज से ब्रैकेट्स लगाने हैं। तो देखो इसके अंदर मैंने आपको बताया था इस बार बेड मास लगेगा, ठीक है, तो ये इधर एक्सपोनेंशियल दे रखा है, तो एक्सपोनेंशियल पे ब्रैकेट लगाओ पहले, ये डिवाइड से भी पहले एक्सपोनेंशियल लगेगा, फिर आपका डिवाइड लगेगा, फिर मल्टीप्लाई, एक डिवाइड आपका इधर भी है लेकिन वो इस ब्रैकेट के उसमें है, तो ये पूरे से डिवाइड होगा ये, ठीक है। तो एक आपका ये मल्टीप्लाई हो रहा है ये, और आपका जो इस पूरे से उसको डिवाइड कर रहा है जी। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको ब्रैकेट लगाने आते जाएंगे, आपकी जो बुक है उसके अंदर भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आदत पड़ जाएगी, वरना जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं उससे भी आपको क्लियर हो ही जाएगा। अब करते हैं इनपुट। तो ब्रैकेट आएगा, पहले एक ब्रैकेट आया स्टैक में गया, दूसरा ब्रैकेट आया स्टैक में हो गए, तीसरा आया तीन स्टैक में हो गए, चौथा ब्रैकेट आया स्टैक में चार हो गए, ठीक है। फिर ए आया, अब ए आएगा स्टैक में तो जाएगा नहीं, वो एक्सप्रेशन में जाएगा, तो एक्सप्रेशन में चला गया। फिर प्लस आया, प्लस स्टैक में जाएगा, ए एज इट इज़। फिर बी आया, बी स्टैक में नहीं जाएगा, उधर एक्सप्रेशन में जाएगा, ए बी हो गया। फिर क्लोजिंग ब्रैकेट आया, क्लोजिंग ब्रैकेट मतलब ऑपरेटर हटाते जाने जब तक लेफ्ट ब्रैकेट ना आ जाए, तो यहाँ तक हट जाएगा, तीन ब्रैकेट बचेंगे बस, उधर हो जाएगा ये ए बी प्लस। फिर मल्टीप्लाई आया, इधर तीन ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लाई आ गया, इधर ए एज इट इज़। फिर हमारा लेफ्ट ब्रैकेट आया, तो लेफ्ट ब्रैकेट आ गया इधर, ये एज इट इज़। फिर हमारा सी आया है, सी को मैं थोड़ा ऐसे बनाता हूँ, सी इधर आएगा। उसके बाद है हमारा डी, डिवाइड, डिवाइड इधर स्टैक के अंदर,
Yes, it is. फिर हमारा डी, डी हमारा स्टैक में नहीं आएगा, एक्सप्रेशन में आएगा. इसके बाद इधर करते हैं. अब डी के बाद दो राइट ब्रैकेट आ रहे हैं, तो पहला राइट ब्रैकेट आएगा. ऑपरेटर हटेंगे कहाँ तक, जब तक पहले लेफ्ट नहीं आता, तो डिवाइड चला जाएगा उधर. इधर बचे हैं खाली लेफ्ट 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 और ये मल्टीप्लाई, और ये बन जाएगा आपका ए बी प्लस सी डी डिवाइड. फिर आपका एक और राइट ब्रैकेट आएगा, तो आपके सिर्फ दो ब्रैकेट बचेंगे, और ये बचेगा ए बी प्लस सी डी डिवाइड मल्टीप्लाई. फिर आपका प्लस, प्लस आ जाएगा आपका स्टैक के अंदर. फिर आपका ब्रैकेट, ब्रैकेट आ जाएगा आपका स्टैक के अंदर. फिर आपका ई, ई आ जाएगा इधर, तो ए बी प्लस सी डी डिवाइड मल्टीप्लाई ई. या आप ऐसे डिज लिखना है, पेपर में निशानी लगाने, मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, पेपर में आपको पूरा पूरा लिख के आना है. एक्सपोनेंशियल, यस इट इज. देन एफ, एफ इधर ऐड हो जाएगा. देन आपका राइट ब्रैकेट, राइट ब्रैकेट होगा तो आपका यहाँ तक हट जाएगा, सिर्फ ये बचेंगे. तो इधर हो जाएगा ये ए बी प्लस सी डी डिवाइड मल्टीप्लाई ई एफ एक्सपोनेंशियल. फिर एक और राइट ब्रैकेट आया, एक और राइट ब्रैकेट, तो फिर दोबारा हटेगा, सिर्फ एक ब्रैकेट बचेगा और ये प्लस चला जाएगा उधर. तो ए बी प्लस सी डी डिवाइड मल्टीप्लाई ई एफ एक्सपोनेंशियल प्लस. फिर है आपका डिवाइड, डिवाइड आ गया इधर लास्ट में, और जी आ गया इधर, लग गया जी. ए बी, ये इधर एस टी आएगा, ए बी प्लस सी डी डिवाइड मल्टीप्लाई ई एफ एक्सपोनेंशियल प्लस जी. इसको जी है. और लास्ट में एक क्लोजिंग ब्रैकेट है, क्लोजिंग ब्रैकेट मतलब कि वही अगेन हटा देगा, तो ये बनेगा ए बी प्लस सी डी डिवाइड मल्टीप्लाई ई एफ एक्सपोनेंशियल प्लस जी और डिवाइड. तो फाइनल आंसर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर अलग से. इसका जो ये है हमारा इनफिक्स, इसका पोस्ट फिक्स बन के आएगा, वो ये बन के आएगा. तो ये हो गया हमारा इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स का कन्वर्जन. ऐसे ही करके आना है पेपर में, ऐसे ही बड़ा टेबल बनता है. यहाँ पर कुछ नहीं है, ये आपको नहीं लिखने, एज इट इज़ पूरा पूरा लिख के आना, ठीक है. टेबल बनाकर इनपुट स्टैक एक्सप्रेशन. अब आप चाहो तो पुश पॉप भी लिख सकते हो कि स्टैक के अंदर, यहाँ पर हम पुश करा, पुश 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 पुश, और यहाँ पुश नहीं करा है, यहाँ पुश करा है, यहाँ से पॉप करा है, यहाँ पुश करा है, यहाँ पुश करा है, यहाँ पुश करा है, यहाँ पुश करा है, यहाँ पॉप पुश 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 पॉप पॉप पुश एंड पॉप. मतलब जहाँ जहाँ वैल्यू स्टैक के अंदर आई, यहाँ पुश हो रहा है, जहाँ वैल्यू निकल रही होगी यहाँ पॉप हो रहा है. सिंपल एस नंबर डाल सकते हो, आपकी टेबल बड़ी हो जाएगी इससे. थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे अगेन आपका इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन का है. तो ये आपका होमवर्क है, मैं इसमें आपको बता देता हूँ ब्रैकेट्स कैसे लगाने हैं. तो अगेन हमारा क्या लगता है, बेड मास लगता है इसके अंदर. बेड मास में पहला ब्रैकेट है, फिर एक्सपोनेंशियल है. तो ब्रैकेट्स तो आपके ऑलरेडी जो है वो है एक्सपोनेंशियल पे लगेगा सबसे पहला. तो सबसे पहला ब्रैकेट हम लगा देते हैं एक्सपोनेंशियल पर. तो जो इसके अंदर है, इसमें अब दो हैं, तो पहले एक्सपोनेंशियल होगा. मैं इसको रेड कलर से लगाया था ताकि आपको पता चल जाए कि हमने बाद में कौन से लगाए हैं. तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल हो गया, और कहीं एक्सपोनेंशियल नहीं है. फिर डिवाइड, तो अब यानी इसके बाद ये वाला डिवीजन होगा. तो एक ब्रैकेट आप इधर लगा दो, फिर ये डिवीजन होगा. देन मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के बीच, इस और इसके बीच में, और इसके बीच के लिए ऑलरेडी ये वाला ब्रैकेट है, ठीक है. और उसके बाद एडिशन जो होगा इसके बीच में और इस पूरे के बीच में, इस पूरे के बीच में. और एक लास्ट ब्रैकेट आप पूरे एक्सप्रेशन के लिए लगा सकते हो. अब ये आपका एक्सप्रेशन बन गया ब्रैकेट के साथ, और इसके बाद आप सिंपली कर ही सकते हो. ऑपरेटर और ब्रैकेट आएगा तो उसको पुश कर देना स्टैक के अंदर. जहाँ राइट ब्रैकेट आ गया, आपको ऑपरेटर निकालते रहने जब तक लेफ्ट ब्रैकेट ना आ जाए. और अगर कोई वेरिएबल आता है तो उसको एक्सप्रेशन में डालते जाना है. तो थर्ड क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे. इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं. इसमें दे रखा है हमारा पोस्ट फिक्स इवैल्यूएशन का क्वेश्चन. यानी हमें एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दे रखे हैं, हमें उनकी वैल्यू निकाल कर देनी है. ये क्वेश्चन भी आ जाता है, इन दोनों में से कोई एक आ जाएगा या फिर चॉइस भी आ सकती है. तो आपको दोनों प्रिपेयर करके जाने हैं. आपके एक ये होमवर्क है, एक मैं उसका पार्ट कराऊंगा, दूसरा पार्ट आपका उसका होमवर्क होगा. तो ये आपका एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दे रखा है, और इसकी हमें इवैल्यूएशन करनी है, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है.
वैल्यू निकालने का मतलब क्या है कि ये स्टार्टिंग में एक इनफिक्स एक्सप्रेशन रहा होगा तो उसकी भी हम कुछ वैल्यू निकालते हैं जैसे नॉर्मल बॉड मास से, तो क्या हम इस पोस्ट फिक्स की भी वैल्यू निकाल सकते हैं बिना इसको इनफिक्स में कन्वर्ट करें? तो निकाल सकते हैं, स्टैक की हेल्प लेनी पड़ेगी हमें अगेन, तो वैसे ही कुछ टेबल बनेगी और थोड़ा सा इसके अंदर हमें ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे। तो पहले 5 आएगा, 5 को हम स्टैक में डाल देंगे, 6 आएगा, 6 को हम स्टैक में डाल देंगे। अब 5 ऑलरेडी था तो 6 भी आ गया इसके साथ में ही, 5 और इसके साथ 6 आ जाएगा, मतलब जो भी वैल्यू आएंगी उसको बस स्टैक में डालते जाएंगे। और जैसे ही ऑपरेटर आएगा, जैसे ही ऑपरेटर आएगा लास्ट की दो वैल्यू पे वो ऑपरेशन करके हम उसे वापस ले आएंगे। तो जैसे ही ऑपरेटर आया लास्ट की दो वैल्यू थी 6 और 2, तो 6 और 2 को प्लस कर कर वापस ले आएंगे इसके अंदर पुश। तो जब मल्टीप्लाई आएगा तो मल्टीप्लाई को क्या दिखेगा कि 5 और यहाँ पर 8 आ चुका है, अब वापस आ गया 8। अब ये दोनों जाएंगे मल्टीप्लाई होने के लिए क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई आ चुका है, तो ये गए मल्टीप्लाई होने और 40, अब ये 40 वापस आएगा। तो जब 12 आएगा तो यहाँ 40 बैठा हुआ और अभी 12 भी पुश कर देंगे क्योंकि वैल्यू है। फिर 4 आया, फिर 4 भी पुश कर देंगे वैल्यू है। फिर डिवाइड आया तो अब लास्ट के दो को ले जाएंगे डिवाइड करने, तो 40 यहीं रहा, 12 और 4 डिवाइड होने चले गए और जो 3 वैल्यू है वो वापस आ जाएगी यहाँ। तो जब मतलब माइनस आएगा तो यहाँ 40 के साथ 3 बैठा होगा, तो ये 40 और 3 माइनस होने चले जाएंगे, तो ये 37 आके वापस आ जाएगा, लास्ट में 37 रिजल्ट आ गया। तो यानी जो इसका इनफिक्स भी रहा होगा अगर उसको सॉल्व करते तो 37 रिजल्ट आना चाहिए था। तो ये होगी हमारी एक पोस्ट फिक्स की इवेल्युएशन, वही है बस वैल्यू डालते जाओ, जैसे ही ऑपरेटर आएगा बस लास्ट के दो को ले जाओ इवेल्युएट करके वापस स्टैक के अंदर डाल दो। ठीक है, तो आपका दूसरा जो पार्ट है इस क्वेश्चन का 15 3 2 प्लस डिवाइड 7 प्लस 2 मल्टीप्लाई, इसकी इवेल्युएशन आपका होमवर्क है। ठीक है, ऐसे ही करना है, ऑलमोस्ट सेम एक्सप्रेशन भी सेम है कि पहले 3 ऑपरेंड है फिर 2 ऑपरेटर फिर ये 7 प्लस 2 मल्टीप्लाई। ठीक है, जो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है आपका होमवर्क है। अगला टॉपिक हमारा क्यू, तो हमने लिंक्ड लिस्ट और स्टैक देखा, स्टैक का भी इम्प्लीमेंटेशन देखना बाकी है, एप्लीकेशन हमने देख लिया उसका क्या है, पोस्ट फिक्स इनफिक्स और प्रीफिक्स, प्रीफिक्स आपका सिलेबस में है नहीं, पोस्ट फिक्स आपने कर लिया, इनफिक्स हम करते हैं आई रिया नॉर्मली। अब क्यू क्या है, स्टैक हमारा था लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब गड्डी थी जो लास्ट में आ रहा था वो सबसे पहले बाहर निकलता है। क्यू लाइन की तरह होती है जैसे इसके अंदर आपको दे रखी है, क्यू इज़ द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डाटा स्ट्रक्चर जैसा इसके अंदर फिगर के अंदर आपको दे रखा है, इट्स लाइक नोटबंदी की लाइन। तो जैसे एटीएम में लाइन होती है, जो बंदा लास्ट में आएगा वो लास्ट में ही है, जो सबसे पहले आया है वो सबसे पहले यूज़ होकर निकल जाएगा, एटीएम यूज़ करके निकल जाएगा। तो इसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, तो पीछे से बंदे आते जाते लाइन के अंदर और आगे से यूज़ करके निकलते जाते हैं। ठीक है, तो आपकी एक लाइन बनेगी, आपकी क्यू बनेगी, जिसके अंदर मान लो ये आपका एटीएम है, तो पीछे से बंदे आते जाएंगे, इधर से एंटर होंगे और इधर से यूज़ करके लीव करते जाएंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहले आएगा, जो फर्स्ट इन होगा वही फर्स्ट आउट होगा, इसमें जो फर्स्ट इन होगा वो फर्स्ट आउट होगा, लास्ट इन लास्ट आउट। तो ये आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है और स्टैक आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। स्टैक के अंदर जो लास्ट में डालते हैं वही फर्स्ट में बाहर आता है, क्यू के अंदर जो फर्स्ट में जाता है वही फर्स्ट में बाहर आता है, क्योंकि इसमें एंट्रिंग पीछे से होती है, इसके अंदर एंट्रिंग ऊपर से ही होती थी स्टैक के अंदर। तो स्टैक और क्यू का डिफरेंस है। ठीक है, तो क्यू आपका ये डेटा स्ट्रक्चर है। अब क्यू की कोई एप्लीकेशन हमें यहाँ यूज़ नहीं करनी। ठीक है, क्योंकि हमें डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन देखनी है हमारे सिलेबस में। तो पहली इम्प्लीमेंटेशन है इनकी एरेस की हेल्प से, तो एरेस की हेल्प से हम स्टैक और क्यू कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। तो ये दो इम्प्लीमेंटेशन है, अब खुद का स्टैक और क्यू बनाएंगे, पहला एरे से और दूसरा है लिंक्ड लिस्ट से। तो लिंक्ड लिस्ट वाला थोड़ा सा टफ है, एरेस वाला हम इजीली कर लेंगे। तो मैं टेक्स्ट एडिटर खोलता हूँ, वहाँ पे आपको एरे वाला समझाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, तो पहले मैं अपनी फेडर फाइल लगा लेता हूँ। अब मेरे को फंक्शंस बनाने उस पर्टिकुलर स्टैक के लिए, उस पर्टिकुलर एरे के लिए। तो ताकि समझना इजी हो जाए मैं एक ग्लोबल एरे बना देता हूँ। तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ इंट एरे और इसका साइज़ दे देते हैं, लेट सपोज़ हमारा स्टैक का साइज़ 20 है, 20 इसका साइज़ दे दिया। ठीक है, और अभी इसके अंदर हमने कुछ नहीं डाला, ये हमारा एक ग्लोबल एरे बन गया। अब फंक्शन है हमारा पुश। ठीक है, वर्ड पुश, पुश क्या करेगा, सबसे पहले वो चेक करेगा कि कहीं हमें अब स्टैक के अंदर ये चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। सबसे पहले चेक करिएगा कि कहीं स्टैक फुल तो नहीं ऑलरेडी। तो इफ़ टॉप, यहाँ पे एक टॉप बना लेता हूँ मैं, जो क्या ध्यान रखेगा स्टैक के अंदर टॉप जो होता है, जैसे मैंने आपको पीछे स्टैक बना के दिखाया था तो उसके अंदर एक टॉप था ना, क्योंकि हर स्टैक के अंदर हमें एक टॉप का ध्यान रखना होता है कि टॉप एलिमेंट इस वक्त कहाँ है, टॉप की पोजीशन याद रखनी होती है और उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो टॉप की पोजीशन, तो टॉप स्टार्टिंग में क्या रखें, जीरो पर, टॉप स्टार्टिंग में जीरो पर रख देते हैं। तो अगर टॉप जो है वो इक्वल टू 20 हो जाए, तो इसका मतलब क्या है,
कि जो हमारा स्टैक है वो भर चुका है, तो उसमें हम फ्लो प्रिंट कर देते हैं ओवरफ्लो, और यहीं पे इसको हम रिटर्न करा देते हैं। अब आप बोलोगे तो वॉइड है तो रिटर्न कैसे करेगा, वॉइड तो कुछ रिटर्न नहीं करता। तो वॉइड रिटर्न करता है, कैसे रिटर्न करता है, मान लो जो मेरा मेन फंक्शन है, मेरा यहाँ पर मेन फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पर कुछ इंट वगैरह बना हुआ है, मैंने यहाँ पर बुलाया पुश, ठीक है, और टॉप की वैल्यू थी उस वक्त 25 नहीं, चलो 20 ही थी, 25 तो जा नहीं सकती, ओवरफ्लो हो जाएगा, टॉप की वैल्यू थी 20। पुश मैंने बुलाया, उसने चेक करा यहाँ पर कि टॉप इज कुछ 20, टॉप 20 है, सी आउट ओवरफ्लो करके रिटर्न, रिटर्न क्या है, कुछ वैल्यू नहीं है। वर्ड जो है वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करा सकता, लेकिन अगर कोई वैल्यू ना हो तो रिटर्न का मतलब है कि जहाँ से ये कॉल हुआ है वहाँ चला जा। तो ये पुश यहाँ से कॉल होता तो वो जो हमारा कोड वहाँ पहुँच गया था ना, कंट्रोल फ्लो ऑफ कंट्रोल वहाँ पहुँच गया था हमारा, अभी यहाँ है, फिर वो कोड के पास पहुँच गया था, फिर कोड से वापस रिटर्न करके यहाँ आ जाएगा और फिर कंटिन्यू करेगा। इस रिटर्न का मतलब ये है, रिटर्न जीरो करते हैं तो वो फिर जीरो की वैल्यू रिटर्न करता है, हम मेन में रिटर्न कर देंगे तो मेन बंद ही हो जाएगा, यहाँ रिटर्न करा तो मतलब क्या है कि जहाँ से कॉल हुआ है वहाँ वापस आ जा, ठीक है। तो अगर टॉप की वैल्यू 20 नहीं है, यानी अभी हमारा स्टैक पूरा नहीं हुआ है, तो उस केस में क्या करना है, हमें टॉप को बढ़ाना है, टॉप को ऊपर लेके जाना है, एक वैल्यू ऊपर लेके जाना है, और वहाँ पर उसकी वैल्यू डाल देनी है ए की वैल्यू। तो एयर ऑफ टॉप को हम बना देते हैं ए, तो मान लेते हैं टॉप अभी ये था, यहाँ पर कुछ वैल्यू थी, तो टॉप को ऊपर खिसका दिया यहाँ पर और उसमें वो नई वैल्यू डाल दी, ठीक है, ये हमारा पुश का हो गया। अगर मेरे को पॉप कराना है उस केस में क्या क्या करूँगा, अगर मेरे को पॉप कराना होगा तो मैं टॉप को कर दूँगा -1, ठीक है। अब इसके अंदर हम वैल्यू डिलीट नहीं करेंगे एरे के अंदर, ठीक है, अगर मेरे को कोई वैल्यू डिलीट करनी होगी तो मैं उसको -1 कर दूँगा। मैं क्या करूँगा, टॉप को कर दूँगा, पॉप का मैं सिंबल लगा देता हूँ, मेरे को डिलीट करना होगा तो मैं कर दूँगा टॉप को यहाँ -1 और टॉप -, यानी जो वैल्यू मेरे को डिलीट करनी थी वो -1 कर दी और टॉप को मैंने नीचे खिसका दिया। अब सबको लगेगा यही है टॉप, यानी इतना ही है स्टैक, ठीक है, ये हो गए पुश और पॉप के फंक्शन, बन गया हमारा स्टैक। अब जैसे मैं वॉइड मेन में जाता हूँ, ठीक है, और मैं इस एरे का नाम अगर स्टैक कर दूँ तो ये और ज़्यादा आपको स्टैक ही लगेगा। अब मैं लिखता हूँ पुश 10, तो इस एरे के अंदर पुश 10 हो जाएगा, पुश 10 के इधर इफ टॉप इक्वल टू 20, टॉप कितना है, टॉप तो अभी 0 है, टॉप 0 है, ठीक है, इधर गया टॉप प्लस प्लस करके 1 कर दिया, और एरे ऑफ 1 पे उसने रख दी वैल्यू कितनी, यहाँ पर इसको टॉप को -1 कर देते हैं ताकि स्टार्टिंग 0 से हो, हमारा एक स्पेस बच जाएगा फिर, ठीक है। तो टॉप -1 है तो टॉप भड़के हुआ 0, और एरे ऑफ 0 पे हमने वैल्यू रख दी 10। फिर मैंने और कुछ पुश कराया, मैंने पुश कर दिया 5, फिर गया टॉप की वैल्यू थी 0, टॉप भड़के 1 हुआ और टॉप 1 पे 5 वैल्यू चली गई। अब मेरे को पॉप कराना है, मैंने लिखा पॉप, पॉप में कुछ वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, वो तो सीधा वैल्यू उड़ा देगा, ये कैपिटल पॉप है। तो उस केस में क्या होगा, टॉप इज गोज टू -1, यानी जो अभी वैल्यू थी करंटली 5 थी यहाँ पर, तो ये कुछ हमारा स्टैक ऐसे बन चुका था, यहाँ 10 था, यहाँ 5 था, और यही हमारा टॉप था। तो क्या होगा जब मैं पॉप करूँगा, तो इसकी वैल्यू को कर देगा -1, ये अपने यहाँ टॉप 1 -1 नहीं आएगा, यहाँ एरे ऑफ टॉप 1 आएगा, ठीक है, इसकी वैल्यू कर देंगे -1 और टॉप को एक नीचे खिसका देंगे, टॉप को यहाँ खिसका देंगे, ठीक है। तो ये हमारा पॉप हो गया, तो बन गई स्टैक, इसमें कुछ नहीं था, बहुत इजी था, लेकिन मेन हमें लिंक लिस्ट से बनाना है। अब हम क्यों बना देते हैं ऐसी एरे के यूज़ से ही, तो जैसे स्टैक के अंदर मेरे को टॉप का ख्याल रखना था, टॉप के बेसिस पे हमारा पुश चल रहा था, टॉप के बेसिस पे हमारा पॉप चल रहा था, ठीक है, टॉप को यूँ ऊपर नीचे करते जा रहे थे, इसके अंदर हम फ्रंट और रियर देख के चलते हैं। क्यू के अंदर रियर से हम आते हैं, इंसर्ट होते हैं, जैसे मान लेते हैं एटीएम की लाइन है, एटीएम मशीन रखी है, तो क्यू का फ्रंट ये हो गया, पीछे से आते जाएंगे लोग, पीछे से एन क्यू होते जाएंगे, यानी अंदर आते जाएंगे, इंसर्ट होते जाएंगे, आगे जो जिसका काम होता जाएगा वो बाहर आता जाएगा, यानी जिसको हमें डिलीट करना है उसको हम बाहर निकालते जाएंगे, जिसे हमें इंसर्ट करना है उसे हम यहाँ से अंदर लाते जाएंगे। तो अगर हमें इंसर्ट करना है या एन क्यू करना है तो वो रियर पे होगा, ठीक है, अगर हमें डिलीट करना है या डी क्यू करना है तो वो हमारा फ्रंट पे होगा। तो इसमें मेरे को फ्रंट और रियर का ख्याल रखना पड़ेगा। तो एक क्यू बनाते हैं प्रोग्राम के थ्रू एरे यूज़ करके, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारी एरे बनी हुई है 20 साइज़ की, जो हमने स्टैक में यूज़ करी थी, तो वही एरे। अब इसमें हम फंक्शन बनाते हैं, सबसे पहले हमें जैसे उसमें टॉप था इसके अंदर फ्रंट और रियर है, तो मैं एक फ्रंट ले लेता हूँ, फ्रंट को मैं स्टार्टिंग में -1 कर देता हूँ कि अभी फ्रंट एलोकेट ही नहीं हुआ, मतलब कि 0 एलिमेंट है, एम्प्टी पड़ी है पूरी क्यू, तो उसके इसमें फ्रंट और रियर दोनों को हम -1 रखेंगे। मान लो जैसे कोई कोई वैल्यू डालता है, यानी एन क्यू होता है, कोई भी वैल्यू इंट ए डालता है कोई, उस केस में सबसे पहले चेक करते हैं कि अगर, यानी कि जब दोनों एम्प्टी हैं, यानी फ्रंट इक्वल टू -1
एंड एंड रियर इक्वल टू माइनस वन, यानी जब दोनों एम्प्टी है पूरी रो, तब क्या करना है हमें, फ्रंट को भी ज़ीरो कर देना है, रियर को भी ज़ीरो कर देना है, और ए आर आर ऑफ ज़ीरो पे हमें ए वैल्यू डाल देनी है। अगर ऐसा नहीं है, दूसरा केस क्या हो सकता है कि हमारा जो रियर है वो 20 हो चुका है, यानी क्यू फुल हो चुकी है, उस केस में हमें सी आउट कर देना है, ओवरफ्लो, और फिर रिटर्न कर जाना है। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है इन दोनों में से, लास्ट केस यानी कि ये सब परफेक्ट है, उस केस में हमें रियर को आगे बढ़ा देना है और इसमें वैल्यू इंसर्ट कर देनी है, एरिया ऑफ रियर इक्वल्स टू ए। तो यानी अगर स्टार्टिंग में बिल्कुल खाली है, यानी फ्रंट और रियर दोनों भी हमने सेट ही नहीं करे, तो उस वक्त अगर इंसर्ट करें तो फ्रंट भी ज़ीरो पे, रियर भी ज़ीरो पे, और वैल्यू डाल देनी है। अगर मान लो रियर जो है वो एंड तक पहुंच गए, तो इससे आगे तो जा ही नहीं सकता, तो इस केस में ओवरफ्लो। और अगर रियर कहीं एंड भी नहीं है, कहीं यहीं पे बीच में है, तो मान लेते इसके अंदर वैल्यू डली हुई है, जैसे यहाँ पर 1, 4, 6, 9 वैल्यू डली है, तो रियर को प्लस प्लस करा के पहले रियर को यहाँ ले आएंगे और फिर इसके अंदर वैल्यू डाल देंगे हमारी। और अगर कोई डी क्यू कराता है तो उस केस में हमें चेक करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये चेक करेंगे क्योंकि एम्प्टी तो नहीं है, तो इफ़ फ्रंट भी माइनस वन है और रियर भी माइनस वन है, उस केस में हमें क्या करना है, सी आउट अंडर फ्लो, यानी खाली पड़ा भाई कुछ है ही नहीं, और हमें रिटर्न कर जाना है। अगर फ्रंट भी ज़ीरो है, रियर भी ज़ीरो है, यानी सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो उस केस में हम दोनों को माइनस वन कर देंगे। तो ये वही केस आ गया जब दोनों एलोकेटेड नहीं थे जब स्टार्टिंग में, तो मतलब एक एलिमेंट था वो भी हटा देंगे, तो यही होना है। और अगर ऐसा नहीं है, यानी बेस्ट केस है, तो इसको मैं एलसीएफ कर देता हूँ फास्ट करने के लिए, तो अगर बेस्ट केस है यानी कि प्रॉपर क्यू चल रही है, उस केस में हमें फ्रंट से उड़ाना है, तो फ्रंट को सिर्फ प्लस प्लस कर दो, ठीक है, फ्रंट प्लस प्लस कर दो, और उस वैल्यू को हम माइनस वन कर सकते हैं फॉर आर सेक, तो जो वैल्यू थी उसको माइनस वन के इक्वल कर दो और यहाँ से फ्रंट को प्लस प्लस कर दो। तो मान लो मेरे को इसको डिलीट करना है, तो मैं इसको माइनस वन बनाऊंगा और फ्रंट को यहाँ कैसे कर दूंगा, तो मेरी क्यू सिर्फ इतनी सी बच गई, ठीक है। अब इंसर्ट करूंगा तो यहाँ इंसर्ट हो जाएगा, यहाँ इंसर्ट हो गया, डिलीट करना है तो फ्रंट ये बन गया, तो इतनी बच गई, यहाँ डिलीट कर दिया तो फ्रंट ये, इतनी क्यू बच गई। तो क्यू ऐसे चलती है, स्क्वीजिंग चलती है और एक्सटेंडिंग चलती है। तो हमारा एन क्यू का बन गया, डी क्यू का बन गया। अब इसी के ऊपर हम एन क्यू डी क्यू करके, जैसे मैंने यहाँ लिखा, मैं लिखता हूँ यहाँ एन क्यू 5 डालूंगा तो उसमें 5 डल जाएगा, फिर मैं लिखता हूँ एन क्यू 10 तो इसके अंदर 10 वैल्यू डल जाएगी। अब मेरे को कोई वैल्यू, अब इसके अंदर से वैल्यू डिलीट करनी है, तो मैं डी क्यू लिख दूंगा, तो इसमें से 5 अपने आप हट जाएगा, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट 5 पहले आया था तो 5 ही पहले जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी क्यू बन गई। अब इसके अंदर आप देखोगे कि इसके अंदर एक कमी है। कमी क्या है, मान लो मैंने क्यू बनाई 1, 4, 6, 11, 13, 15, मैंने इतनी बनाई है, ठीक है, तो ये हमारा आर हो गया, मैंने इतनी बनाई क्यू, और फिर मैंने डिलीट करना स्टार्ट करा, और मैंने इसमें से 3 डिलीट कर दिए, ठीक है, 3 बार डी क्यू करा दिया, ठीक है। अब मैं इसके अंदर दोबारा से एन क्यू कराता हूँ, तो मैंने इसके अंदर 20 एन क्यू कराया, 20 आ गया, ठीक है। अब मैं इसके अंदर 15 तो हो गया, 25 एन क्यू कराना चाहता हूँ, तो लेकिन अब आर जो है वो लास्ट तक पहुँच चुका है, तो ये एरर दिखाएगा कि फुल हो चुकी है, लेकिन फुल तो नहीं हुई है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा खाली पड़ा है। तो ये जो खाली पड़ा है तो वेस्ट हो रहा है ना एक तरह से, क्योंकि अभी क्यू के अंदर 3 स्पेसेस है, लेकिन वो फिर भी फुल दिखा रहा है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने बनाई सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू क्या होती है, सर्कुलर क्यू हमारी एक, जो हम बचपन में खेलते थे एक दूसरे का हाथ पकड़ के घेरा बना के, उस तरह से हम मान सकते हैं, क्यू की तरह ही होती है, बस सर्कुलरली कनेक्टेड। अब सर्कुलरली कनेक्टेड का मतलब ये नहीं है कि वो सर्कुलर है या उसके अंदर कुछ डिफरेंट है। सर्कुलरली कनेक्टेड का सिंपल सा मतलब है कि इसका फ्रंट इसके एंड से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर यहाँ फ्रंट है और यहाँ रियर है, अब हम रियर बढ़ाते हुए, मान लो रियर में इंसर्ट करते 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 मैं यहाँ तक आ गया, तो मैंने यहाँ से वैल्यू डालना स्टार्ट करी, मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर मैंने डिलीट करा, यहाँ से इन दो को डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, माइनस वन बना दिया दोनों को, 11, 12, 15, 20, फिर मैंने डिलीट करा, फिर मैंने डाला, ठीक है। अगर नॉर्मल क्यू होती तो यहीं रुक जाती, क्योंकि एंड तक आके वो रुक जाती है एंड पे आके, लेकिन अब इसको पता है कि आगे वाले एलिमेंट डिलीटेड हैं, तो ये आगे बढ़ सकती है, ठीक है। अब मान लो मैं और डिलीट करता हूँ यहाँ से, तो मैं जो रियर पे डालूंगा वो इधर आते जाएंगे। तो सर्कुलर क्यू में ये फ़ायदा होता है कि अगर रियर
अगर फ्रंट खाली पड़ा है तो जो रियर के एलिमेंट है वो घूम के आगे आ जाते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये सर्कुलर क्यू है। सर्कुलर क्यू आपकी अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इस पे से क्वेश्चन भी बहुत ही कम आते हैं। पिछले 3 साल में तो मेरे ख्याल से सर्कुलर क्यू का एक भी क्वेश्चन नहीं आया। नॉर्मल क्यू और आपका स्टैक के ऊपर आ जाता है, लिंक लिस्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो ये हमने एरे से बना ली। क्यू और स्टैक एरे से तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, मोस्टली वो लिंक लिस्ट से ही आता है, मोस्टली क्या हर बार लिंक लिस्ट से ही आता है, ठीक है। तो लिंक लिस्ट से करते हैं एक बार, लिंक लिस्ट से आपको इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। तो लिंक लिस्ट से करने के लिए मैं सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, जो हमारा नोड वाला काम करेगा। कभी कभी इसको स्ट्रक्ट नोड बना देते हैं, तो आप कुछ भी बना सकते हो। इसके अंदर एक डेटा होगा और एक इसका रेफरेंशियल पॉइंटर जो अपने अगले का एड्रेस स्टोर करेगा। तो मैं होगा स्टैक बनाना है लिंक लिस्ट से, तो मैं एक वैसे ही जैसा हमारा स्टैक था जैसे हमने एरे के अंदर बनाया था, एरे इज सिमिलर टू लिंक लिस्ट, एरे बस प्री डिफाइंड है, लिंक लिस्ट हम खुद बनाते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी लिंक लिस्ट थी सीधी उसको अगर मैं ऐसे रख दूँ और उसके लिए पुश और पॉप के फंक्शन बना दूँ तो वो हमारा स्टैक बन गया सिंपल, यानी हर एलिमेंट नीचे वाले पे पॉइंट कर रहा होगा। तो ये हमारा लिंक लिस्ट से यूज़ करके स्टैक बन जाएगा। तो जो लिंक लिस्ट सीधी थी उसको बस ऐसे हमने टिल्ट करके उसके लिए कुछ फंक्शंस बना दिए। तो फंक्शन देखते हैं क्या क्या बनेंगे। अब इसके अंदर हमें एक टॉप बनाना पड़ेगा, स्टार्टिंग में टॉप भी नल होगा और टॉप का नेक्स्ट भी नल ही होगा। तो टॉप को तो अभी मैंने नल कर दिया है। अब बनाते हैं वॉइड पुश। पुश के अंदर मान लो कुछ भी वैल्यू आई, इंट ए हमें पुश करना है। अगर टॉप नल है, अगर टॉप नल है तो उस केस में मेरे को क्या करना है कि मतलब टॉप ही नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा है, उस केस में मेरे को जो मेरा ए है वो यहाँ आ जाएगा और वही टॉप बन जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक पॉइंटर भी ले लेता हूँ, तो मैंने पॉइंटर ले लिया। अब ये पॉइंटर मैंने क्यों लिया, आपको याद होगा अगर मेरे को कुछ इंसर्ट करना है तो पहले मेरे को मेमोरी लेके आनी पड़ेगी, फिर इस पॉइंटर को इस पे मेमोरी पे मैं पॉइंट कराऊंगा। तो मैं न्यू मेमोरी लेके आता हूँ, इसी के अंदर उसको डाल दूंगा। तो इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, तो जो मेमोरी आई पॉइंटर उस पर पॉइंट कर रहा है। अब ये जो मेमोरी आई है इसको मेरे को टॉप बनाना है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टॉप इज इक्वल्स टू, टॉप इज इक्वल्स टू PTR। टॉप हमारा पॉइंटर बन चुका है और इसका जो नेक्स्ट है वो नल नल को पॉइंट करेगा, ठीक है। और अगर मान लो टॉप नल नहीं है, यानी टॉप पे ऑलरेडी कुछ वैल्यू रखी हुई है और ये किसी और पोजीशन पर आ रहा है, उस केस में मेरे को क्या करना है, अगर टॉप पे कुछ ऑलरेडी वैल्यू रखी हुई है तो उस केस में मेरे को ये जो PTR है इसके नेक्स्ट को टॉप पे पॉइंट करा देना है, ठीक है। मान लो इसके अंदर ऑलरेडी कुछ वैल्यू रखी हुई है, मान लो यहाँ 1, 2, 5 रखा होता, तो जो मेरा आएगा उसके नेक्स्ट को इस टॉप पे पॉइंट कराना है, जो ऑलरेडी टॉप है अभी उसके नेक्स्ट को इस पे टॉप पे पॉइंट कराना है। तो मैंने यहाँ पर इसको यहाँ पे टॉप पे पॉइंट करा दिया, टॉप पे पॉइंट करा दिया तो यानी एक तरह से वो यहाँ आ गया, मान लो 7 आ गया। अब इस टॉप को यहाँ बना देना है, यानी जो आया है वो टॉप हो गया है, तो यानी जो PTR है वो टॉप है, तो टॉप को हमने PTR के इक्वल कर दिया। तो ये हमारा पुश हो गया। हमें ये केसेस लेके चलने होते हैं, अगर नल है तो और एल्स नहीं है तो, ये जब ये हमारा प्रोग्राम हैंडी रहता है। अब पॉप का बना देते हैं, अगर इसमें से वैल्यू निकालनी है तब क्या करना पड़ेगा हमें, अब हमें वैल्यू अगर डिलीट करनी है तो हमें टॉप को नीचे खिसकाना है और उस वाली वैल्यू को डिलीट कर देना है। तो मैं एक पॉइंटर बना लेता हूँ फिर से, स्टूडेंट स्टार PTR, ठीक है। इसको मैं टॉप के इक्वल कर देता हूँ, पहले यहाँ टॉप के इक्वल कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, टॉप को एक नीचे खिसका दूंगा, यानी टॉप को उसके नेक्स्ट के इक्वल कर दूंगा। टॉप इज इक्वल्स टू टॉप के नेक्स्ट, तो टॉप नीचे खिसक गया और जो पुराना टॉप था वो PTR के अंदर स्टोर कर लिया हमने, यहाँ इसको डिलीट कर देते हैं। तो लिख देता हूँ मैं डिलीट PTR, तो ये हमारा पॉप का हो गया। तो इसमें एक न्यू, इसको न्यू मेमोरी की जरूरत तो है नहीं, इसमें सीधा डिलीट करना है। PTR में शो कराया, टॉप को नीचे खिसका दिया और जो हमारा पुराना वाला टॉप था उसको डिलीट करा दिया, तो ये हमारा पॉप का हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे हमारा दे रखा है राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन पॉप। पॉप हमें फंक्शन बनाना है जिसके अंदर बुक बी, यानी हमारा ये बुक और बी के बी पे ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी इस बुक का एक ऑब्जेक्ट का एरे है, ठीक है। तो वो कैसे यूज़ करना है वो हम देखते हैं। बाकी इंट एंड टी, और टी क्या है, टी यहाँ पर है रिप्रेजेंट इन द टॉप ऑफ द स्टैक। तो टी हमारा टॉप है और बी हमारा ऑब्जेक्ट है बुक का। तो इसमें से पॉप कराना है, तो पॉप कराने के लिए हमें क्या करना है, पॉप कराने के लिए हमें वही प्रोग्राम लिखना है। तो फंक्शन बनाते हैं हम वॉइड पॉप, और आपको ध्यान रखना है जैसा इसके अंदर बोला होगा वैसे ही करना है। जैसे इसके अंदर कैपिटल पी है तो आपको भी कैपिटल पी ही यूज़ करना है,
कैपिटल बी है तो कैपिटल बी ही यूज़ करना है, ये छोटी छोटी चीज़ों पे भी ध्यान देना होता है। और यहाँ पर आपका एक इंटेम्परसेंटी, ये आपका टॉप है, ठीक है, टॉप दे रखा है और बुक का ऑब्जेक्ट दे रखा है। हमें करना क्या है, पॉप करना है। पॉप का मैंने आपको बताया था क्या करना होता है, मान लेते हैं हमारा स्टैक था, तो जो टॉप होता है इसकी वैल्यू को किसी और में शो करा के टॉप को नीचे खिसका देते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं, तो ये टॉप बन जाता है और ऊपर से गायब। तो जो टॉप की वैल्यू है पहले उसको किसी और में शो करा लिया, जैसे एक पीटीआर बना लिया नया। अब पीटीआर क्या है, बुक टाइप का है तो बुक टाइप का बताना पड़ेगा। सो बुक स्टार पीटीआर, ठीक है, तो बुक का एक स्टार पीटीआर बन गया है, पीटीआर को उसको टॉप कर दिया। अब टॉप को मेरे को नीचे खिसकाना है। अब इसमें एक चीज़ पहले चेक करनी पड़ेगी, ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसी चीज़ें लिखनी होती हैं, मैंने आपको बताया था ना, बट बाउंड्री कंडीशंस होती हैं तो मेरे को चेक करना पड़ेगा कहीं। और ये टॉप नहीं है, कैपिटल टी है ऑलरेडी, तो ये भी चेक करके चलना कि अगर टॉप यानी टी ऑलरेडी तो नल नहीं है कहीं, कहीं पहले से खाली पड़ा हो उसमें से डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस केस में आपको पता क्या करना होता है, सी आउट अंडर फ्लो, तो अंडर फ्लो प्रिंट करा कर और फिर रिटर्न करा देंगे। और अगर ऐसा नहीं है यानी कुछ वैल्यूज हैं तो उस केस में पीटीआर को डिलीट करा देंगे और टॉप को नीचे खिसका देंगे, नीचे मतलब उसके नेक्स्ट पे। तो ये हमारा पॉप का प्रोग्राम हो गया, और इसमें सिंपल सा है और ये आपका चार नंबर का आ रखा है, तो इसमें कुछ टफ नहीं है, आपको यही करना है, बस याद रखना है कि कौन सा पॉइंटर कब किसका आना है, और आपको थोड़ा सा सिंटैक्स ये याद करके जाना पड़ेगा कैसे करते हैं, ठीक है। दो तीन क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, चार पांच बार अपने आप से लिखोगे तो आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पुश का ऊपर है, सेम आपको बुक का इधर रखा है, बुक चेक उसके अंदर आपको पुश करना है, तो पुश का आप कर सकते हो, पुश का प्रोग्राम मैंने कराया था, बस आपको उसको बुक के उसमें करना है। तो ये आपको होमवर्क है, बुक पीटीआर, और आपको सिंबल्स का ध्यान रखना है, कैपिटल तो नहीं है, जैसे यहाँ पर आपको बुक कैपिटल है, इस बार आपको टॉप दिया हुआ है, टी नहीं दिया हुआ, आपको टॉप लेकर चलना है, ठीक है। पुश में भी कैपिटल है, पॉप में भी कैपिटल है, तो इसमें आपको पॉप का नहीं खाली पुश का लिखना है। पुश का मैंने आपको बताया था कैसे करना है, तो अगर खाली है तो जो आएगा वही टॉप बनने वाला है, और खाली नहीं है इसमें पहले से कुछ वैल्यू है तो जो आएगा वो टॉप को पहले जो टॉप पे वैल्यू है उस वैल्यू को पॉइंट करेगा और खुद टॉप बन जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई वैल्यू है तो उसको पॉइंट करके खुद टॉप बन जाएगा, कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर आके नल को पॉइंट करके टॉप बन जाएगा। तो ये आपका पुश का प्रोग्राम हो गया। प्रोग्राम टाइम, तो इसमें स्टैक क्यू को हमने एरे से कर लिया, स्टैक को लिंक लिस्ट से कर लिया, अब क्यू को लिंक लिस्ट से कैसे करना है वो देखते हैं। तो क्यू को लिंक लिस्ट से करने का भी कुछ सेम सा ही तरीका है, जैसे स्टैक के अंदर हमने क्या करा, एक एक एलिमेंट को उसके नीचे वाले पे पॉइंट कराते गए, क्यू के अंदर हम बस लीनियरली फ्रंट और रियर का रिकॉर्ड रखते हुए आपस में लिंक कर देंगे इनको। जैसे अगर हमारा ये फ्रंट है और ये रियर है तो ये आपस में लिंक्ड होंगे। तो मान लेते हैं हमें एन क्यू का फंक्शन लिखना है, वर्ड एन क्यू, और हमारा जो क्यू है वो उसके अंदर हमारे दो होते हैं, फ्रंट और रियर, ठीक है। जैसे हमने लिंक लिस्ट के लिए हेड लिया था जस्ट, तो इसके अंदर फ्रंट और रियर दोनों लेने पड़ेंगे, फ्रंट का रिकॉर्ड और रियर का रिकॉर्ड। स्टैक में हम टॉप का रखते हैं, लिंक लिस्ट में हम हेड और टेल मान के चलते हैं, इसमें फ्रंट और रियर मान के चलेंगे। तो एन क्यू मान लेते हैं हमें एक इंट ए इंसर्ट कराना है इसके अंदर, ठीक है, इंट ए डालना है। तो सबसे पहले मेरे को एक न्यू पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं न्यू मेमोरी में से लाऊंगा यहाँ पर ऐड करने के लिए, ठीक है। अब न्यू मान लेते हैं स्टूडेंट स्ट्रक्चर था, तो स्टूडेंट इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, पीटीआर, ये बन गया। अब पीटीआर के अंदर न्यू मेमोरी डालनी है, तो यहीं से मैं इसको न्यू मेमोरी दे देता हूँ थोड़ी सी स्टूडेंट टाइप की, ठीक है, न्यू मेमोरी आएगी, न्यू मेमोरी आ गई। उसके बाद क्या चेक करना है कि अगर क्यू खाली पड़ी है यानी रियर जो है वो जीरो पे है, अगर क्यू भरी होती है तो रियर पीछे जाता जाता है, अगर रियर ही जीरो पे यानी क्यू खाली पड़ी है तो उस केस में मेरे को क्या करना है, जो हमारा फ्रंट है, फ्रंट और रियर दोनों बराबर करके और उसको बराबर कर देना है पीटीआर के, यानी फ्रंट भी यही है रियर भी यही है, क्योंकि अब कोई खाली थी, खाली के में अगर एक एलिमेंट आ गया तो फ्रंट और रियर सेम होता है, एक भी एलिमेंट नहीं होता तो दोनों नल होते हैं, जब एक एलिमेंट आ जाता है तो फ्रंट भी यही होता है रियर भी यही होता है, तो फ्रंट और रियर को मैंने सेम करके और उसमें पीटीआर डाल दिया। और अगर मान लो खाली नहीं थी भरी हुई थी तो एल्स केस में नॉर्मल करेंगे हम, जो पीटीआर आएगा उसको पॉइंट करा देंगे, तो इसको मैं ऐसे मान के चलते हैं ये फ्रंट है ये रियर है, ठीक है, अब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अगर स्टार्टिंग में कुछ नहीं था तो फ्रंट भी यही होगा रियर भी यही होगा, जैसे जैसे एलिमेंट आते जाएंगे रियर आगे चलाता जाएगा,
अब मान लो एलिमेंट ऑलरेडी थे तो कुछ रियर कहीं और था, फोर्थ फिफ्थ कुछ ही पोजीशन पे था, उस केस में मेरे को क्या करना है, रियर का जो नेक्स्ट है, रियर का जो नेक्स्ट है उसको मेरे को लाना है पीटीआर पे। तो रियर का नेक्स्ट मेरे को लाना है पीटीआर पे, और पीटीआर का क्या करना है, पीटीआर के नेक्स्ट को कहाँ करना है, यहाँ पीटीआर आ गया, पीटीआर के नेक्स्ट को तो नल पे रखना है, कहीं नहीं जाएगा, पीटीआर के नेक्स्ट को मैंने कर दिया नल पे। और एक लास्ट चीज़ और कि रियर को मेरे को ये बना देना है, अब रियर ये बन चुका है तो रियर इसको पीटीआर बना दिया, तो ये हमारा एल्स का हो गया। तो यानी जब खाली है तो फ्रंट और रियर और पीटीआर फर्स्ट पे आ जाएँ, अगर खाली नहीं है तो रियर जो है वो नए वाले पे पॉइंट करे और वो नया वाला रियर बन जाए और ये तो नल पे पॉइंट कर ही रहा है। तो ये हमारा इंसर्ट एन क्यू हो गया, सिंपल है। आपको बस इसी को वैसे दे देंगे कि कोई बुक है, जैसे आपका स्टैक का क्वेश्चन आ रखा था वैसे ही आपका इसका आ सकता है। डिलीशन करना होगा तो डिलीशन के केस में भी यही करेंगे हम, फ्रंट से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जो रियर वाला है लास्ट वाला इस पे पहुँचते ही इसको हम, इस पे पहुँचते ही इसको पीटीआर में स्टोर कर लेंगे, इसको रियर बना देंगे, इसको नल करके इसको डिलीट कर देंगे, सिंपल है। जैसे हम यहाँ पहुँचेंगे रीड करते करते इसको रियर बना देंगे, इसको पीटीआर में स्टोर कर लिया होगा उसी वक्त, रियर के नेक्स्ट को नल पे फेंकेंगे और जो ये पीटीआर था इसको डिलीट करा देंगे, तो ये हमारा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। जैसे लिंक लिस्ट में करा था वैसे ही इसके अंदर होगा, बस लिंक लिस्ट के अंदर क्या था, खाली स्टार्ट था, इसके अंदर फ्रंट और रियर आ जाएगा, बस आपको उस हिसाब से देख के चलना पड़ेगा। तो एक क्यू का प्रॉब्लम हो गया लिंक लिस्ट के अंदर। तो मैं दिखाता हूँ आपको किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन दे रखा है पुश बुक, जैसे अभी हमने एक वो करा था क्वेश्चन पेपर का, उसी तरह से अब इसके अंदर देखो डायनामिक स्टैक यानी लिंक लिस्ट वाला स्टैक है और इसके अंदर इंसर्ट करना है। तो पुश का फंक्शन वही, एक न्यू नोड बनाई, अब इसके अंदर इन्होंने डेटा जो है वो यूज़र से ले लिया है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर दे रखा है उसके अंदर ये दो डेटा है। तो ये दो डेटा यूज़र से लेकर क्या करना है, पी टी आर के नेक्स्ट को नल करके, अगर टॉप खाली यानी अगर पूरा वो खाली है तो जो पी टी आर जाएगा वही टॉप बनेगा, अगर खाली नहीं है तो पी टी आर जाएगा टॉप को पॉइंट करेगा और खुद टॉप बन जाएगा। तो पी टी आर जाके टॉप को पॉइंट करा और खुद टॉप बन गया। सिमिलरली आपका यहाँ पर है डायनामिक क्यू यानी लिंक लिस्ट वाली क्यू, इसके अंदर इंसर्ट कराना है और ये आपका पूरा प्रोग्राम इसका वही। अगर रियर नल है यानी कुछ भी नहीं है तो फ्रंट और रियर बराबर होकर पी टी आर हो जाए, लेकिन अगर रियर में कुछ है तो रियर का नेक्स्ट जो मैं अभी करा था कि रियर का नेक्स्ट जो है पीटीआर पे बन जाए, वो पीटीआर खुद रियर बन जाए, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने रियर को नल कराया होगा कहीं पर, ये इन्होंने स्टार्टिंग में करा रखा है फ्रंट इज़ इक्वल्स टू रियर इज़ इक्वल्स टू नल। एक आपका ये लास्ट प्रोग्राम है इंसर्ट इन अ स्टैटिक सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू का क्वेश्चन आपका बहुत मुश्किल आएगा, मतलब बहुत मुश्किल मतलब टफ नहीं, मुश्किल कम चांसेस हैं इसके आने के, क्योंकि सर्कुलर क्यू बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है 12th क्लास के लिए। तो स्टैक और नॉर्मल क्यू में से ही इंसर्शन और डिलीशन का क्वेश्चन आता है। तो आपको ये चार प्रोग्राम देखने हैं, इंसर्शन इन अ स्टैक यानी पॉप पुश, डिलीशन फ्रॉम अ स्टैक यानी पॉप, इंसर्शन इन अ क्यू एन क्यू वाला लेकिन वो इंसर्शन ही बोलते हैं, और डिलीशन फ्रॉम अ क्यू डी क्यू वाला। ये चार प्रोग्राम आपको देखने हैं, चारों को मैंने बता दिया कैसे वर्क करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना। ये कोड जनरली बच्चे भूल जाते हैं जिसमें काफ़ी पीटीआर न्यू पीटीआर आगे पीछे जाने का खेल है, तो चार पाँच बार खुद से लिख के प्रैक्टिस करना चारों प्रोग्रामों को, उनको एक सेपरेट जगह पर लिखना पेपर से पहले, उनको देख के जाना तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये सर्कुलर क्यू क्या होती है, सर्कुलर क्यू यहाँ पर दिखा रखी है, फ्रंट ऐसे होता है, रियर यहाँ पर होता है, फ्रंट और बैक, द रियर एंड फ्रंट आर कनेक्टेड, रियर और फ्रंट आपस में कनेक्टेड होते हैं। किस तरीके से, मतलब अगर रियर जैसे मैंने आपको बताया था जो हम डिलीट करते हैं तो फ्रंट से डिलीट होता जाता है, ये फ्रंट है, रियर से हमने डालना स्टार्ट करा, रियर इधर आता गया इधर आता गया इधर आता गया बढ़ता जाया रियर, अब मैंने फ्रंट से डिलीट करना चालू करा, रियर की लिमिट पहुँच गई लेकिन फ्रंट के पीछे वाला पार्ट तो खाली हो गया, फ्रंट यहाँ है, इस पीछे वाले पार्ट को यूटिलाइज करने के लिए हमने इसको सर्कल में बना रखा है ताकि जैसे ही रियर एंड पे पहुँचे वो घूम के फ्रंट के पीछे आ जाए तो मेमोरी यहाँ पर यूटिलाइज हो जाती है। तो सर्कुलर क्यू है। अब ये जो रिपीटेशन वाला कंसेप्ट है, कब रियर एंड पे पहुंचेगा फ्रंट वाला है, 12th में आपके लिए थोड़ा हार्ड हो जाएगा, ये आपको हायर स्टडीज़ में जाके पढ़ना है, कॉलेज में आपको पढ़ा देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम मैंने बता दिया, पुश इंसर्ट पॉप डिलीट इन अ स्टैक और इंसर्ट एंड डिलीट इन अ क्यू, ये आपको रट के जाने हैं, पढ़ के पूरा अच्छी तरह पीके जाने हैं, ये क्यों किए आते हैं। और एक आपका क्वेश्चन जो मैंने पोस्ट फिक्स वाला कराया वो आया, तो आपका ये 6 नंबर का चैप्टर बन जाता है, 4 नंबर का आपका ये वाला क्वेश्चन आता है और 2 नंबर का आपका पोस्ट वीक वाला क्वेश्चन आता है। तो इतना था इस वीडियो के लिए, होप है आपको पूरा लिंक लिस्ट समझ आ गया होगा, स्टैक क्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिए, प्रैक्टिस कर लिए, जो होमवर्क है वो अच्छे से करना, ठीक है। आपका हमारा पार्ट 1 खत्म हो चुका है, इसके बाद SQL डेटाबेस और कम्युनिकेशन ईजी पार्ट बचा है सारा, ठीक है, तो उसको भी जल्दी खत्म करते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ईट वेल स्लीप वेल एंड स्टडी वेल।